अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों क्या हाल चाल है। तो फाइनली हमारी गूगल एडसेंस की पिन आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। कितने डेज बाद आई है, कितनी बार अप्लाई करने के बाद आई है, कितना अर्सा लग गया है पिन आने में, इसके अलावा पिन ने वर्क किया है या नहीं किया, ठीक है, सारे गूगल एडसेंस में किस तरह पिन लगाई है, सारा कुछ आज के जितने भी क्वेश्चन हैं तमाम के तमाम क्लियर करूंगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है सर। दोस्तों ये जो गूगल एडसेंस पिन मुझे रिसीव हुई है, ये जो आप एडसेंस जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो आप अपना एड्रेस देते हैं उसी एड्रेस पर ये पिन आती है। तो मैंने कौन सा एड्रेस दिया था अभी सारा कुछ आपको दिखाता हूँ, ठीक है सर। और बात बता दूँ कि ये कितने डेज बाद मुझे रिसीव हुई है, ये मैंने दूसरी बार अप्लाई किया था। पहली बार मैंने अप्लाई किया था तकरीबन एक मंथ तक मैंने वेट किया था, एक मंथ तक ये पिन मुझे रिसीव नहीं हुई थी। फिर दूसरी बार मैंने अप्लाई किया, जब सेकंड बार अप्लाई किया तो तकरीबन 20 दिन बाद ये पिन मुझे रिसीव हो चुकी थी, जो एडसेंस पर मैंने एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पर, ठीक है सर। किसका एड्रेस दिया था वो अभी सारा कुछ अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है सर। तो इसके अलावा जब एडसेंस पिन मैंने लगाई तो बाकी ये वर्क कर गई, मेरा एडसेंस जो अकाउंट था एक्टिवेट भी हो चुका था। अभी आपको अंदर से भी खोल कर दिखाता हूँ, अंदर इसमें क्या इंटरफेस होता है, कौन सा कोड वगैरह होता है, सारा कुछ अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैं कैमरा बैक कर देता हूँ, अभी आपको सारा कुछ दिखा। तो दोस्तों मैंने अपना कैमरा बैक कर दिया, ये देख सकते हैं फ्रंट साइड इसकी ये है और बैक साइड अभी आपको दिखाता हूँ, ये बैक साइड है इसकी, ठीक है सर। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं मेरा नेम आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, मोहम्मद शहरयार पीर आदल बेकर, ये शॉप का नेम है पीर आदल बेकर, मेन बाज़ार ईसा खैल मेन बाज़ार में है, ठीक है। कॉन्टैक्ट मैंने अपना नंबर भी आगे लिखा था ताकि मुझे अगर रिसीव ना हो तो मुझे फ़ोन करके बता सकें कि आपकी ई मेल या सॉरी आपकी मतलब के डाक आ चुकी है, ठीक है सर। तो इसी तरह फ़ोन नंबर आपने लाजमी देना है जब अकाउंट क्रिएट करने लगे एडसेंस, तो फ़ोन नंबर आपने लाजमी देना है, ठीक है सर। तो नीचे आप देखते हैं ईसा खैल, फिर उसके आगे ईसा खैल का कोड है, सिटी कोड, कंट्री पाकिस्तान, से सब कुछ दिया था और ऊपर आप सब कुछ रीड कर सकते हैं, ठीक है सर। ये कोरोना में आप खुद रीड कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है पोर्ट पे, ठीक है सर, सारा कुछ। तो इसके अंदर आप कोड देख लेते हैं कोड कौन सा आया था, तो हम कोड भी इसको ओपन कर लेते हैं आपके सामने। तो मैं जल्दी से इसको ओपन कर, इसकी साइडें काटनी होती हैं, मैंने साइडें काट ली हैं, ये देख सकते हैं इसके अंदर ये पिन आपको रिसीव हुई है 257113, ठीक है सर। ये पिन होती है, ये आपने अपने एडसेंस अकाउंट में लगानी होती है, साथ इंस्ट्रक्शन भी नज़र आ रही हैं, इंस्ट्रक्शन किस तरह आपने पिन लगानी है। ऊपर गूगल एडसेंस, यूर गूगल एडसेंस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वेलकम टू गूगल एडसेंस, यूर अकाउंट इज नॉट सेटअप टू रिसीव पेमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ, मतलब कि जब भी आप अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस पर ऐसा एड्रेस देना है जिस पर आपको डाक रिसीव होती हो, ये नहीं कि जो आपके आईडी कार्ड पर एड्रेस है वो आपने दे देना है, उस पर आपको डाक भी नहीं आती हो। ज्यादातर लोगों का यही मसला होता है कि उनको गूगल एडसेंस पिन इसीलिए रिसीव नहीं होती कि वो अपने शिनाख्ती कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड वाला एड्रेस दे देते हैं जिस पर उनको डाक रिसीव नहीं होती। आपने ऐसा एड्रेस देना है जहां पर डाक वगैरह आती हो, ठीक है सर, आपकी पिन आ जाएगी, ठीक है सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई लाजमी मिलेगा। इसके अलावा चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे।